देश में सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC की मांग बढ़ने के कारण देश भर के तेल तिलहन बाजारों में मंगलवार को सोयाबीन दाना और लूज के भाव में सुधार दर्ज किया गया। मांग बढ़ने के मुकाबले आवक घटने से बिनौला तेल की कीमत भी सुधार का रुख दर्शाती बंद होती नजर आई थी। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में 2% की गिरावट के बावजूद बेपरता कारोबार होने से पाम एवं पावोलिन तेल कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही और बाकी तेल तिलहनों के भाव भी अपरिवर्तित बने रहे। इस पर बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 2% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में फिलहाल 0.5% की गिरावट रही। बाजार सूत्रों के अनुसार स्थानीय स्तर पर सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि DOC की मांग बढ़ने तथा किसानों द्वारा कम भाव पर बिकवाली नहीं करने से सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज के भाव सुधार दर्शाते बंद होते नजर आए थे। सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन तेल, सरसों, मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। पिछले साल बाजार में इस समय तक बिनौला की 90 लाख गांठों की आवक हुई थी, जो इस साल घटकर महज 50 लाख गांठ ही रह गई है। दिल्ली में नमकीन बनाने वाले कंपनियों की बिनौला तेल की मांग है, बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।